गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग फ्रेज क्या होता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसीलिए आज शीर्षक पड़ा फ्रेज एंड क्लॉज, वाक्यांश और उपवाक्य, ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो के अंतर्गत मुख्यतः हम फ्रेज के विषय में चर्चा करेंगे। ये सारी बातें, इन्फिनिटिव क्या है, फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, पार्टिसिपल क्या है, जीरंड क्या है, यह प्रारंभिक स्टेज की जानकारियां दी जा रही हैं कि आने वाले समय के अंतर्गत जो चीजें पढ़ाई जाए उसमें समझाना न पड़े, यानी जो बेसिक चीजें हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर। फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जिसका भाव तो होता है लेकिन पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता। वाक्यांश फ्रेज शब्दों का समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन संपूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता है, उसे कहते हैं वाक्यांश है, यानी वाक्य का अंश है। अगली बात इसमें होती है कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटा नहीं जा सकता है। वाक्य में आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांट लेते हैं लेकिन फ्रेज के अंतर्गत सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं छांट सकते। यह किसी वाक्य का या उपवाक्य का एक भाग होता है, एक अंश होता है। वही बातें यहां लिखी भी गई हैं कि वाक्यांश और उपवाक्य, वाक्यांश फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ हो किंतु जिससे पूर्ण भाव व्यक्त न हो। यह किसी वाक्य या उपवाक्य का एक अंग होता है, एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। डेफिनेशन परिभाषा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, शब्दों का वह समूह जो अर्थ तो प्रकट करता है, कुछ भाव तो प्रकट करता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा भाव व्यक्त नहीं करता, इज कॉल्ड फ्रेज। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का वह समूह विच मेक्स सम सेंस, कुछ भाव तो प्रकट करता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड फ्रेज। वह शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ तो प्रकट करता है लेकिन पूरा भाव व्यक्त नहीं करता है, इसलिए इसको वाक्यांश कहा जाता है। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती, यानी मुख्य क्रिया नहीं होती, जैसे फ्रेज का यहां उदाहरण डाला गया है, इन द अर्थ धरती पर, आने वाल दीवार पर, टू माई डोर मेरे दरवाजे पर, आप ग्रेट ब्यूटी अत्यधिक सुंदरता का, ए बर्ड इन द हैंड हाथ की एक चिड़िया, मुहावरा है ये, हाउ टू डू कैसे करें, ए लिटिल बॉय सीटिंग इन द कॉर्नर कोने में बैठा हुआ छोटा लड़का। यहां देख रहे हैं ए लिटिल बॉय, यह अपने आप में एक नाउन फ्रेज है, और सीटिंग इन द कॉर्नर यह का पार्टिसिपल फ्रेज है, सीटिंग इन द कॉर्नर पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे, आप दोनों को मिला दिया गया तो नाउन फ्रेज हो गया। नोट, फ्रेज वाक्यांश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं छांटा जा सकता, यानी वाक्यांश के अंतर्गत, फ्रेज के अंतर्गत हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं छांट सकते हैं, इसे प्रेडिकेट नहीं होता, तो छांटेंगे कहां से, या जब क्रिया ही नहीं होगी तो कर्ता कहां से होगा, जब कर्ता नहीं है तो क्रिया कहां से होगी। उदाहरण के लिए, दी सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, इसमें इन द ईस्ट तीन शब्दों का एक समूह है जो इस वाक्य का एक भाग है, इन द ईस्ट इस वाक्य का एक भाग है जिसका कुछ अर्थ तो है पूरा में लेकिन पूरा अर्थ व्यक्त नहीं होता। द मंकी सैट आने वाल तीन शब्दों का समूह है जिसका अर्थ तो है लेकिन पूरा भाव नहीं है, बंदर दीवार के ऊपर बैठा, एन ओल्ड बेगर केम टू माई डोर, टू माई डोर यह भी फ्रेज है, एक बूढ़ा आदमी मेरे दरवाजे पर आया, आई डोंट नो हाउ टू सिंग,
मैं नहीं जानता कि कैसे तैरा जाता है। हाउ टू स्विम क्या है? फ्रेज है। ही हैज ए चेन मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की बनी हुई एक जंजीर है। तो मेड ऑफ गोल्ड क्या कर रहा है? चेन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी इन वाक्यों में रेखांकित शब्द फ्रेज है। और एक काइंड ऑफ फ्रेज, यानी वाक्यांश कितने प्रकार के होते हैं? काइंड ऑफ फ्रेज, वाक्यांश कितने प्रकार के होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं इसी को, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज आदि। यानी जो काम करेगा उसी के अनुसार उसका नाम रख दिया जाएगा। मुख्य रूप से इसमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज आते हैं। टाइमली आप कहेंगे तो एडवर्ब है, एक शब्द है, लेकिन कह देंगे इन टाइम तो वह हो गया एडवर्बियल फ्रेज। ही केम इन, वह अंदर आया। इन क्या है? वह एडवर्ब का काम कर रहा है, एक शब्द है एडवर्ब का काम। और इन द रूम तीन शब्दों का समूह हुआ, वो भी तो पोजीशन बता रहा है, जगह बता रहा है स्थित, तो उसको कहेंगे कि साहब ये एडवर्बियल फ्रेज। एक से अधिक शब्द नाउन का काम करे तो नाउन फ्रेज। आई हैव ए रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है, मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी है। तो मेड ऑफ गोल्ड क्या है? यह एक फ्रेज है जो विशेषता बताने का काम कर रहा है चेन का। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे वह काम करेगा, यानी जो काम फ्रेज करता है उस कार्य के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे आई सा ए लिटिल वाइट इन वाइट शर्ट, मैंने सफेद कमीज में एक छोटे लड़के को देखा। मतलब छोटा लड़का था जो सफेद कमीज पहने हुए था। आई सा ए लिटिल बॉय इन व्हाइट शर्ट। अब जरा इसमें देखिए, ए लिटिल बॉय छोड़ देते केवल यही, तो ए लिटिल बॉय नाउन फ्रेज होता, नाउन का काम। और वहां इन व्हाइट शर्ट यह क्या है? यह भी नाउन फ्रेज है। और दोनों मिलके भी एक नाउन फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं। ए लिटिल बॉय इन व्हाइट शर्ट क्या है? नाउन फ्रेज है। ही हैज ए चेन मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की बनी हुई जंजीर है। ही हैज ए चेन मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की बनी हुई चेन है। तो अब यहां क्या, मेड ऑफ गोल्ड चेन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। देवर 50 बॉयज, देर वर 50 बॉयज इन द रूम, कमरे में 50 लड़के थे। इन द रूम क्या है? पोजीशन बता रहा है, इसलिए इसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। पोजीशन है तो एडवर्बियल फ्रेज। ही केम इन टाइम, वह समय से आया। इन टाइम क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि समय बता रहा है और दो शब्द मिलकर समय बता रहा है, तो इसको कहेंगे साहब ये एडवर्बियल फ्रेज है। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग एफर्ट्स, प्रयास करने के बावजूद ही फेल्ड, वो फेल कर गया। इसमें क्या है? इन स्पाइट ऑफ मेकिंग एफर्ट, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा गया है। सी वेंट ऑन स्टडिंग थ्रू आउट द नाइट, वो पूरी रात अध्ययन करना जारी रखी। वेंट ऑन क्या है? वेंट ऑन, चूंकि इस वाक्य के अंतर्गत वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ जाएगा फ्रेजल वर्ब। उसका नाम डालेंगे फ्रेजल वर्ब। उसी के विषय में लिखा है नोट, वाक्य नंबर एक में रेखांकित शब्दों का समूह, यानी वाक्य नंबर एक जो है रेखांकित शब्दों का समूह, नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे नाउन क्लास कहेंगे। ये जो है ना नाउन का काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लास कहेंगे। वाक्य नंबर दो में मेड ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज।
वाक्य नंबर तीन में देयर वेर 50 बॉयज इन द क्लास, इसमें इन द रूम, इन द रूम पोजिशन बता रहा इसलिए एडवर्बियल फ्रेज। ही केम इन टाइम, इन टाइम भी समय बता रहा है और समय बताने वाला एडवर्ब होता है, क्योंकि ये दो शब्द है इसलिए एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग एफर्ट ही फेल्ड, प्रयास करने के बावजूद वो फेल कर गया। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग एफर्ट ही फेल्ड। लास्ट है सी वेंट ऑन, वह जारी रखी स्टडिंग, पढ़ाई जारी रखा थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात उसने पढ़ाई जारी रखी। तो इसमें क्या है, वेंट ऑन जो है वो फ्रेज है जिसका प्रयोग फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया के स्थान पर किया गया है, इसको कहेंगे फ्रेजल वर्ब। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंतर्गत आपने देखा कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ तो होता है लेकिन पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता है, यह किसी वाक्य या उपवाक्य का एक अंश होता है, एक भाग होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होते हैं। इस तरह से अभी तक आपने देखा कि अल्फाबेट देखा, वर्ड, सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, फिर आपने फ्रेज देखा, इसके बाद क्लाज देखेंगे, इन्फिनिटिव, पार्टिसिप, यानी जो मुख्य मुख्य चीजें उसके विषय में आपको ज्ञान प्रदान किया जाएगा। थैंक यू।